बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज बीएससी कंपल्सरी क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द लास्ट लेसन एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द टेक्स्ट ओवर दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट माय सन, कम ऑन। हैविंग एक्वेंटेड विद द लाइफ ऑफ द राइटर एंड स्टडीइंग द डिटेल summary of the last lesson, that is lesson, as you know, we are going to discuss read the text of this article, the last lesson. And text starts here: this morning I was late getting to school. This morning I was late getting to school. ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि इस सुबह जो है मैं स्कूल से लेट था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड, और मुझे ये डर भी था कि मुझे सर्जनिश होगी। बिकॉज एम हैमल यानी मोसियो, ये फ्रेंच वर्ड है बेटा, जैसे हम मिस्टर या सर कहते हैं ना, उर्दू में हम जनाब कहते हैं, तो फ्रेंच में कहते हैं मोसियो। ये आप देखें, अपनी बुक पे देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा स्पेलिंग एम ओ, ये तो एब्रीविएशन है ना, इधर उसके पूरे स्पेलिंग लिखे होंगे एम ओ एन एस आई ई यू आर। तो इसमें आपने ना तो एन को प्रोनाउंस करना है और ना ही लास्ट जो आर है उसको, तो ये बनेगा मोसियो, राइट? ओके, मोसियो हैमल हैड सेड, हमारे जो टीचर हैं, ये टीचर का नाम है आपको याद है, हमने जो इसकी समरी है उसमें ये बात डिस्कस की थी। मोसियो हैमल हैड सेड ही वुड बी क्विजिंग अस ऑन द पार्टिसिपल्स। क्विजिंग, ये क्विज होता है ना, वो क्वेश्चन आंसर जो है, तो उसने कहता जी हमें कहा था कि वो हमसे क्वेश्चन करेगा, किस पे? ऑन द पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आपको पता है, जैसे इंग्लिश के वो पार्टिसिपल हैं कि वर्ब के साथ जो आई एन जी फॉर्म लगी होते हैं उसके बारे में, उसने फ्रेंच में जो पार्टिसिपल्स हैं उनका पूछना था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे पहले लफ्ज का भी नहीं था पता। इट अकर्ड टू मी, मुझे ये ख्याल आया, दैट आई माइट स्किप क्लास, कि मैं क्लास जो है आज स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ, एंड रन अ फील्ड, और खेतों की तरफ कहीं भाग जाऊँ। द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, दिन जो है वो बड़ा ही गर्म और बड़ा शानदार रोशन था। Blackbirds were whistling at the edge of the woods, जंगल के जो किनारे पे जो blackbirds हैं वो सीटियाँ बजा रहे थे। And in the meadow, और चरागाह में या सब्जाजार में, behind the sawmill, जो आरा मशीन है उससे पीछे, the Persians were practicing। Persians हैं, ऐसे ये Persian नहीं, Persian, जो जर्मन हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पर्शियन जो ये फौजी जो जवान है वो वहाँ पे अपनी ड्रिल कर रहे थे। एवरीथिंग सीम्ड मच नाइसर, हर चीज़ जो है वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल की बजाय ना ये अच्छा लग रहा था कि मैं जो है पार्टिसिपल्स को पढ़ने की बजाय ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे मैं जो है वो उन्हें इंजॉय करूँ, बजाय इसके कि मैं जाके पार्टिसिपल्स पढ़ूँ। बट आई रेजिस्टेड द अर्ज, लेकिन मैंने अपनी इस अर्ज को, इस ख्वाहिश को रेजिस्ट किया, मतलब रोका। एंड हरीड टूवर्ड स्कूल, और स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी में चला। पासिंग द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल है गांव का जो बड़ा हॉल है उसको, उससे गुजरते हुए आई सॉ ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने लोगों का ग्रुप देखा गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द नोटिस बोर्ड, जो कि नोटिस बोर्ड के सामने इकट्ठे हुए हुए थे। फॉर द पास्ट टू ईयर्स, आपको याद है इसे ईयर या ईयर वो हमने बात की है, नहीं पढ़ना बल्कि ईयर्स होता है, ठीक है, वाई ई आर एस। फॉर द पास्ट टू ईयर्स, दो पिछले दो सालों से, दैट हैज़ बीन, जो कि रहे थे, वी वेयर वी हैव, वेयर वी गॉटन ऑल द बैड न्यूज़, हमने जितने भी बैड न्यूज़ हैं वो सुनी थी। द लॉस द बैटल्स लॉस, जो जंगें हमने हारी थी, मतलब वो कह रहा है कि इसी जगह से हमने ये सारी चीज़ें, ये खबरें और हारी हुई जंगें जो हैं उनके बारे में सुना था। डिमांड्स, जो भी डिमांड्स थी, द कमांड्स और जो भी ऑर्डर थे। एंड आई थॉट विदाउट स्टॉपिंग, और मैं
बगैर रुके हुए मैंने सोचा व्हाट्स न्यू, कि अब क्या है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे वो जो टाउन हॉल है वहाँ पे लोग जो हैं वो जमा हुए थे। देन आई रैन बाय और फिर मैं जल्दी से भागा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर जिसका नाम था, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने शागिर्द के साथ वहाँ पे मौजूद था, रीडिंग द पोस्टिंग्स और वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहा था। कॉल टू मी, जो उसने कहा डोंट रश बॉय, बहुत तेज ना चलो बेटा, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज टीजिंग मी, मुझे ख्याल आया कि वो मुझे तंग कर रहा है। आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ और मेरी सांस भी फूली हुई थी। एज आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा मोस्यो हेमल्स, मोस्यो हेमल के वो जो घर है उसके करीब करीब मैं पहुंचा, उस या उसके इलाके के करीब करीब पहुंचा, तो मेरी जो सांस है वो फूली हुई थी। अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ में अभी ये ब्लैक स्मिथ का जो नाम है जिसे हमने वॉचर प्रोनाउंस किया, इसे वॉक्ट भी प्रोनाउंस करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना। ये है असल में फॉरेन वर्ड है ना, ठीक है, लेकिन उस लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन अडॉप्ट करके इंग्लिश में इसे वक्त जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, वॉशर या वाटर की बजाय वॉक्टर। कम बैक, नीचे देखें, हम यहाँ तक पहुँचे थे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नॉर्मली व्हेन क्लास स्टार्ट्स, आमतौर से जब क्लास स्टार्ट होती है, देयर इज नॉइज इनफ टू बी हर्ड, बहुत ज़्यादा शोर होता है, इतना ज़्यादा कि वो सुना जा सकता है फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है, गली से ही वो सुना जा सकता है, इतना ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। ये बेटा एनफ नहीं पढ़ना, इसे इनफ, जैसे है ना आई प्रोनाउंस करते हैं ई को, उसी तरह से। तो ये अपनी गली जो है वहीं से इसका शोर जो है वो सुनाई देता है, किस चीज़ का, एज डेस्क आर ओपन एंड शट, जब डेस्क जो है उनको खोला जाता है बंद किया जाता है, इस तरह का शोर जो है वो बाहर गली से ही मतलब सुनाई देता है, इतना ज़्यादा शोर होता है जब क्लास स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स रिपीट लेसन्स टुगेदर, जो तालिबे इल्म हैं वो अपने लेसन्स को इकट्ठा दोहराते हैं लाउडली और बड़ी ऊंची आवाज से, विद हैंड्स ओवर ईयर्स टू लर्न बेटर, और अपने हाथ जो हैं वो कानों पर रखे होते हैं ताकि अच्छी तरह से सीख सकें। एंड द टीचर्स बिग रोलर नॉकिंग ऑन द टेबल्स, और टीचर का जो बड़ा सा वो डंडा है वो टेबल्स के ऊपर लगता था, उसकी आवाज़ थी। लेट्स हैव सम क्वाइट, चलो भाई चुप कर दें। आई वॉज होपिंग टू use the commission to sneak into place unnoticed, मुझे ये मेरा ख्याल था कि मैं चोरी छुपे से उस जगह पे बगैर किसी की तवज्जो में आए अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। commission, ये लफ्ज़ देखिए, commission का मतलब होता है noise, उसका ख्याल था कि मैं इस शोर के अंदर ही बस चोरी छुपे से अब अननोटिस्ड अपनी जगह पर पहुँच जाऊँगा। बट टुडे ऑल वॉज साइलेंट, लेकिन आज जो है वो सब लोग जो हैं वो खामोश थे। लाइक अ संडे मॉर्निंग, ऐसे जैसे कि आज इतवार या संडे की मॉर्निंग हो, संडे मॉर्निंग, थ्रू द अपर विंडो, खुली खिड़की से सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर सीट्स, कि वो पहले ही अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। एंड मोस्ट हेमल, और जनाब हेमल जो हैं वो वेंट बैक एंड फोर्थ, जो कि इधर उधर जा रहे थे, पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ, विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, और वो जो खौफनाक उनका लोहे का डंडा था वो बिल्कुल उनके बाजू के नीचे था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था एंड एंटर, और दाखिल होना था अमिडिस्ट दिस ग्रेट कॉम, इस अजीम स्कूत के अंदर ही, दरमियान में ही मुझे। You can imagine how flushed and fearful I was. आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस तरह से डरा हुआ और सहमा हुआ था। फ्लश्ड, वैसे ये इमोशंस की वजह से काम और ये नेक और ये सारा फेस जो है ये सुर्ख हो जाए तो उसको कहते हैं, तो हम इसको इस तरह से तर्जमा इसका कर लेंगे, डरा और सहमा होना, फियरफुल आपको पता ही है। बट नो मोस्यो हेमल लुकड एट मी इवनली एंड सेड जेंटली, लेकिन जो जनाब या सर हेमल साहब थे उन्होंने मुझे बड़े ही आराम
आराम से और प्यार से, उन्होंने बड़े आराम से मेरी तरफ देखा, नरमी से देखा और प्यार से मुझे कहा, टेक योर सीट क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स जल्दी से, वी वर स्टार्टिंग विद डाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने लगे थे, आई हॉप द बेंच, ये होप नहीं है, हॉप हॉप का मतलब होता है उछलना, मैं उछल के बेंच पर बैठ गया एंड सैट एट माई डेस्क राइट अवे, और मैं अपने बिल्कुल उस डेस्क पर बैठ गया. Only after I had settled in, did I notice our teacher. इसके बाद जब मैं अपनी उस जगह पर बैठ गया, settled down हो गया, मैंने देखा अपने teachers को, had our teacher had on his fancy green coat, के हमारे जो teacher हैं उन्होंने अपना fancy green coat जो है वो पहना हुआ है, अच्छा खूबसूरत सा, his ruffled shirt, और उसकी जो shirt है वो उसने पहनी हुई है, देन एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप और कशीदाकारी की हुई जो कैप है उसको उसने पहना हुआ है. रफल गड़बड़ करने को कहते हैं, बट हेयर मीन्स रफल्ड शर्ट, गड़बड़ की हुई शर्ट, यानी बगैर इस्त्री की शर्ट जो है वो उसने पहनी हुई थी. और ये शर्ट और ये जो उनकी सिल्क की कैप थी और ये ग्रीन कोट वो कब पहनते थे, ही ओनली वोर ऑन इंस्पेक्शन और अवॉर्ड इज, तो या तो वो इंस्पेक्शन के दिन जो होते थे तब पहनते थे या फिर कोई प्राइज डेज जब होते हैं तब. ऑल्सो द होल रूम सीम्ड ऑडली सॉलम, ऑडली सॉलम, और ये सारा कमरा जो है बड़े ही अजीब तरीके से बिल्कुल बहुत सॉलम संजीदा सा लग रहा था. बट व्हाट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन मुझे सब जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हैरान किया वॉज एट द बैक ऑफ द रूम, वो कमरे का वो बैक थी, उसकी पुश्त जो थी, वेयर द बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन जहाँ पे हमेशा ही जो बेंचेस हैं वो खाली होते हैं. नो सैड पीपल ऑफ द विलेज, अब जो हैं वो गांव के लोग बैठे हुए थे क्वाइटली लाइक अस, ठीक है, बिल्कुल हमारी तरह ही क्वाइट. देखें आपको याद है जब टी ई हो तो फिर क्वाइट पढ़ेंगे इसे, लेकिन जब ई पहले आए तो फिर क्वाइट, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वाइट और क्वाइट में. आपको पता है आपके टीचर्स कहते हैं बी क्वाइट, क्वाइट नहीं क्वाइट. अच्छा जी, क्वाइटली लाइक अस, वो हमारी तरह ही खामोशी से बैठे हुए थे, द ओल्ड हाउजर विद हिज ट्रिकन. अच्छा बेटा, ये जो वर्ड है जिसे हमने ट्रिकॉन प्रोनाउंस किया, इसका अच्छा जो बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्राइकॉन. ट्राइकॉन तीन कोने वाले हैट को कहते हैं. तो ओल्ड हाउजर, बूढ़ा वो जो हाउजर है अपने तीन कोने वाले हैट के साथ भी, द फॉर्मर मेयर, पीछे वाला जो मेयर है सबका, यानी मेयर. अभी हमने जो बात की है वो ये है कि इस वर्ड को आपने ट्राइकॉन जो है वो प्रोनाउंस करना है, राइट. तो बूढ़ा जो हाउजर है उसका नाम है बूढ़े आदमी का, आपने तीन कोने वाले हैट के साथ और सबका मेयर जो है वो फॉर्मर पोस्टमास्टर, सबका पोस्टमास्टर एंड सम अदर्स, और दूसरे लोग भी, ये जो लोग हैं ये उस क्लासरूम के पीछे जो बेंचेस हैं बैक बेंचेस वहाँ पे बैठे हुए हैं. एवरीवन लुक्ड सैड, हर बंदा जो है वो बड़ा गमगीन दिखाई दे रहा था. एंड हाउजर हैड ब्रॉट हिज ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो है उसने अपना पुराना कायदा भी वो लेके आया हुआ था, वॉर्न एट द एजेस, जो के किनारों से फटा हुआ था, विच ही हेल्ड ओपन, जिस जो कि उसने खोला हुआ था, कहाँ पे, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे, विद हिज ग्लासेस रेस्टिंग ऑन द पेजेस, और उसके उसकी जो है ना या उसकी नज़रें जो हैं वो पेजेस के ऊपर मरकूज थी. व्हाइल आई वाज टॉकिंग ऑल दिस इन, मॉसी हैमल स्टूड बाय हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल वॉइस, While I was taking all this in, जबकि मैं इन सारी चीज़ों को अपने जहन में समा रहा था, यानी देख रहा था, मोस्वी हैमल स्टूड बाई हिज चेयर, मोस्वी हैमल जो के अपने चेयर के पास ही खड़े थे, एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल वॉइस, और उसी तरह से संजीदा और अपने जेंटल जो प्यार भरी आवाज़ कह रहे हैं, ठीक है, शाइस्ता आवाज़ में, विद विच ही हैड वेलकम्ड मी, जिसके साथ उसने मुझे वेलकम कहा था, टोल्ड अस, हमें बताया, चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट टाइम आई विल टीच द क्लास,
बच्चों ये आखिरी टाइम है, ये लास्ट टाइम है, यानी आखिरी मौका है कि मैं आपको क्लास जो है वो पढ़ा रहा हूँ. ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर्स जो हैं बर्लिन से रिक्वायर, उनकी ये रिक्वायरमेंट है दैट ओनली जर्मन बी टॉट इन द स्कूल्स, के स्कूल में सिर्फ जर्मन जुबान जो है वो पढ़ाई जाएगी. ऑफ एल्जॉस, एल्जॉस के स्कूल में, एंड लोरेन, और लोरेन के. आपको याद है जब हमने पॉलिटिकल वो जो हिस्ट्री थी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, उसमें हमने ये दोनों डिस्ट्रिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया था कि ये दो जो हैं ये असल में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें के जिन पे जर्मन्स का कब्जा हो गया. अब वो चाह रहे हैं कि जर्मन जुबान भी पढ़ाई जाए. द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, नए आपके जो उस्ताद साहब हैं वो कल आ जाएंगे. टुडे इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आपका फ्रांसीसी जुबान का आखिरी लेसन है. आई आस्क फॉर योर बेस्ट अटेंशन, मैं आपकी जो बेहतरीन तवज्जो है वो चाहता हूँ. दीज वर्ड्स हिट मी हार्ड, ये अल्फाज जो हैं इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा असर किया. ए दोज बीस दैट्स वॉट दे हैड पोस्टेड एट द टाउन हॉल, ये जो जानवर हैं उन्होंने वहाँ टाउन हॉल में क्या लिखा हुआ था, क्या पोस्ट किया हुआ था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी जुबान का सबक. येट आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और अभी तक मुझे बिल्कुल अभी बड़ी मुश्किल से ही पता था कि मैं कैसे लिखूं, यानी कहता कि मुझे लिखना भी नहीं आता था. आई हैड लर्न नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं था सीखा. एंड आई वुड लर्न नो मोर, और अब मैं मजीद कुछ भी नहीं सीखूंगा फ्रेंच जुबान के हवाले से, क्योंकि वो तो बैन होगी. आई विश नाउ टू हैव द लॉस्ट टाइम बैक, अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो जो पुराना टाइम है ना वो वापस आ जाए. द क्लासेस मिस्ड, और वो क्लासेस जो मैंने मिस की थी, एज ए हंटेड फॉर एग्स, जो कि मैं एग्स को ढूंढता रहता था, और वेंट स्केटिंग ऑन द सॉर, या जो सॉर है उसके ऊपर में वहाँ फिसलता रहता होता था, स्केटिंग करता रहता था. सॉर जो है ये देखें कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स के दिस इज़ द नेम ऑफ समथिंग. ये असल में जो जगह का भी नाम है, और ये रिवर का असल में यहाँ पे नाम है जिसके ऊपर वो बर्फ़ जम जाती थी सर्दियों में, ज़ाहिर है, तो उसके ऊपर बच्चे जो हैं या दूसरे लोग जो हैं वो स्केटिंग करते होते थे. ये उसकी बात कर रहा है. माई बुक्स दैट आई हैड ऑलवेज फाउंड सो बोरिंग, मैं अपनी किताबें जो मेरी थी जो हमेशा ही मुझे बड़ी बोरिंग लगती होती थी, सो हैवी टू कैरी, और उन्हें उठाना भी बड़ा ही भारी लगता था. माई ग्रामर टेक्स्ट, मेरी ग्रामर की टेक्स्ट, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स और सेंट्स की हिस्ट्री, दे सीम टू मी लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, वो मुझे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगते थे. आई कुड नॉट बियर टू अबैंडन, ये उस वक्त की बात कर रहा है जो मौजूदा है, कि अब जो है ये मेरे मुझे पुराने दोस्त जो हैं उनकी तरह लग रही थी ये सारी चीज़ें जिनका उसने ऊपर जिक्र किया है. आई कुडंट बियर टू अबैंडन, जिनको कि मैं छोड़ना जो है या उनसे अलग होना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था. अबैंडन टू गिव अप को कहते हैं. इट वॉज द सेम विद मोस्यू हेमल, यही चीज़ जो है वो जनाब हेमल के साथ भी थी. द आइडिया दैट ही वॉज लिविंग, ये ख्याल कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, मेड मी फॉरगेट, उसने मुझे ये चीज़ बुला दी. क्या हिज स्कोल्डिंग, उसकी सजा या सरजनिश को, एंड द थम्स ऑफ हिज रूलर, और उसका जो रूलर जो था उसकी जो पढ़ने की आवाज़ है वो सजा देते थे तो उसकी आवाज़ आती थी धब करके, उसको भी मैंने बुला दिया. पुअर मैन, बेचारा आदमी. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस फाइनल क्लास, ये आखिरी जो क्लास है उसकी ऑनर में था, दैट ही हैड वोन हिज बेस्ट संडे आउटफिट, के उसने अपना त्वार का बेहतरीन लिबास पहना हुआ था. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे पता चला व्हाई द ओल्ड मैन फ्रॉम द विलेज, के गांव के जो बूढ़े लोग हैं वर गैदर्ड एट द रेयर, ये रियर नहीं रेयर, रेयर ऑफ द क्लास, वो क्लास के पिछली जानब जो हैं वो इकट्ठे हुए थे. दे वर देयर टू शो, अब वो इसलिए वहाँ पे थे इस चीज़ को शो करने के लिए, दैट दे टू वर सॉरी, कि उन्हें भी अफसोस है फॉर निगलेक्टिंग टू अटेंड स्कूल मोर, के स्कूल जो है उसको ज़्यादा अटेंड ना करने पे उन्हें भी, और निगलेक्ट करने पे भी उन्हें
जो है वो अफसोस है. इट वॉज ऑल्सो अ वे टू थैंक आर टीचर. ये हमारे टीचर को उसका शुक्रिया अदा करने का भी एक तरीका था. किस चीज़ का शुक्रिया? ऑफ 40 years ऑफ हिज फाइन सर्विस. उसकी 40 साल की बड़ी उम्दा जो उसने सर्विस की थी उसका शुक्रिया अदा करने का भी एक तरीका था. एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट, और उनकी रिस्पेक्ट जो है शो करने का तरीका था फॉर द कंट्री, उस मुल्क के लिए दैट वॉज डिसअपीयरिंग, जो कि अब गायब हो रहा था, डिसअपीयर हो रहा था. आई वॉज फाउंडिंग मैं दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों के मतलब ही सोच रहा था. व्हेन आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, जब मैंने अपना नाम जो है वो सुना, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरी टर्न थी, मेरी बारी थी पढ़ने की. What wouldn't I have given to say that wanted rule of participle loudly, clearly, flawless. लंबा पैराग्राफ है बेटा, इसे हम इधर ही रखेंगे. नेक्स्ट जो है वो हम इसको, क्योंकि फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम यहाँ तक रख के तो नेक्स्ट जो है उस क्लास में हम इसको लेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क प्लीज़. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह.